इंसान की शक्ल में जानवर और भेड़िया सरकार के पैसे पर सरकार का फ्री का खाना खाता है जेल में बैठकर, लेकिन जिसकी बच्ची गई, जिसके घर से जनाजा उठा, जिसकी औलाद कफन में लिपटने के बाद अर्थी पर चली या कब्र में उतरी, उसका दर्द समझने के लिए अगर लोग हमारे पास जिस तरह इलेक्शन के टाइम पर वोट लेने आते हैं, जब हमारे घर में दर्द की चिता जलती है, जब हमारे सीनों में अपनी बच्चे के दर्द के शोले खड़े होते हैं, उस वक्त सारे नेता अपने मुंह पर ताला लगा के खामोश बैठे रहते हैं। अगर हापुड़ की बात करें तो हापुड़ में जितने लोग लोकसभा, विधानसभा और चेयरमैनी और दीगर इलेक्शन जितने होते हैं, इन माँ बाप के पास भीख मांगने के लिए वो नपुंसक वोट लेने आ गए, लेकिन आज जिस तरह से बच्ची और ये बच्चे की मां रो रही है, इसके दर्द को समझने वाला कौन आएगा? पूछता है हम पूरे भारत की सरकार से और हर एक नेता से, ये नेता जो वक्त पर भीख मांगने आते हैं और जब कभी आपके साथ हादसे पेश होते हैं तो अपने घरों में एयर कंडीशन दफ्तर में और एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे रहते हैं। आप लोग याद रखिए, ऐसे नेताओं को उखाड़ फेंकने का काम भारत की जनता करेगी। बिल्कुल करेगी, बिल्कुल। जो लोग इन बात को सुन रहे हैं, जो लोग ये वीडियो बन रही है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के घरों में भी माँ बहन होंगी। हापुड़ में 6 साल की बच्ची के साथ 2 तारीख में गायब थी, 4 तारीख में मिली। पड़ोस के अमजद नाम के एक व्यक्ति के घर में संदूक में बंद मृत हालत में मिली, उस बच्ची के साथ रेप किया गया, उसे मार दिया गया। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबको इस बच्ची की मां के आंसुओं का वास्ता इतनी वायरल करो कि देश के कोने कोने तक और राष्ट्रपति जी तक और प्रधानमंत्री जी तक इस बच्ची की मां के आंसू का दर्द पहुंचे। जिम्मेदारी आपकी है। और एक बात और आखिर में सुन लीजिए, हमारी आवाज तब तक नहीं दबेगी जब तक इस आरोपी को फांसी नहीं होगी।